हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ ठीक है। थोड़ी सी सर्दी लगी हुई है, बहुत छींक रही हूँ, तो व्लॉग बनाते बनाते भी बहुत छींक आ रही है, इसलिए रुक रुक के बनाना पड़ रहा है। तो एनीवेज, आज का व्लॉग जो है ना वो शुरू की हूँ, यस्टरडे वाला व्लॉग जब खत्म की थी उसके जस्ट कुछ ही घंटों के बाद, यानी कि रात को। तो चलिए सारी क्लिप्स आपको दिखाते हैं, रात को क्या क्या कारनामे होते हैं मेरे घर पे, आप लोग भी देखिए थोड़ा। ये एक दिन का मैं दिखा रही हूँ, लेकिन ऐसा अक्सर अक्सर होता है पता है, क्योंकि रात को जाग जाग के काम करना रहता है ना, तो भूख लग जाती है कभी कभी। तो हम लोग कुछ बिस्किट चिप्स वगैरह ला के रखते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं ज़्यादा ला के रखूँगी कि दो चार दिन चल जाएगा, तो मेरा बेटा जो है ना वो एक ही दिन में दिन भर थोड़ा थोड़ा करके ले लेके एक एक पैकेट फाड़ेगा और खाता रहेगा। तो इसीलिए मैं स्टॉक नहीं करती हूँ ये सारी चीज़ें। और ऐसा हुआ कि कल रात को कुछ भी नहीं था घर में, ना चिप्स था, ना बिस्किट था, ना कुछ था, तो इसीलिए अब भूख लग गई आदि को भी और मुझे भी। काम करते करते भूख लग जाती है, क्योंकि डिनर भी हम लोग जल्दी कर लेते हैं ना, तो रात को जब 2 बजे 3 बजे तक काम चलता है ना चैनल का, तो भूख लग ही जाती है। तो फिर कल रात को मैंने क्या किया, आदि ने क्या खाने की फरमाइश की, चलिए ये सारा कुछ पहले देख लेते हैं। घर में कुछ भी नहीं होने की वजह से ना, मतलब कोई भी स्नैक्स आइटम नहीं था, बिस्किट चिप्स कुछ भी नहीं था, तो फिर आदि ने कहा कि पराठा खाऊंगा। पास्ता कह रहा था, लेकिन चीज़ भी नहीं था तो पास्ता बन नहीं सकता था, तो फिर कहने लगा पराठा बना दीजिए। और रात को 2 बज रहे हैं फ्रेंड्स, चारों तरफ एकदम सन्नाटा है, अंधेरा है, और मेरे किचन में देखिए क्या हो रहा है, बैठ बैठ के पराठे बना रही हूँ। और देसी घी के पराठे बना रही थी, देसी घी का ही हम लोग हमेशा ही बनाते हैं, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मैं सोच रही थी किचन के बाहर जो इसका स्मेल आ रहा होगा ना घी का, आसपास के लोग अगर किसी की खिड़की खुली होगी गर्मी के मौसम में, तो सब सोच रहे होंगे कौन आखिर इतनी रात को किचन में कुछ भी पका रहा है। तो एनीवेज, सिर्फ 4 ही पराठे बनाई थी, 2 अपने लिए 2 आदि के लिए, क्योंकि ज़्यादा बना के क्या करूँगी, इतनी रात को भूख लगी थी, तो बस 2-2 पराठे दोनों के लिए बना लिए, उतना ही काफ़ी था। तो देखिए किस तरह से बन रहा है पराठा, बन जाता है, इसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमने पराठा खाया किस चीज़ के साथ था। तो 4 पराठे हमारे बन गए, और इसके बाद मैंने रख दिया है चाय। जी हाँ, चाय बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा ना सर में दर्द भी हो रहा था मेरे, हल्का सा पता नहीं कैसे ठंडा लग गया, सर्दी लग गया है, तो सर भी भारी सा हुआ पड़ा था और काम भी काफ़ी बाकी था, तो मैंने सोचा चलो चाय भी बना लेते हैं। और आदि से पूछी तो उसने कहा वो भी चाय पिएगा। एक्चुअली सब्जी कुछ नहीं बनाई थी, पराठा जो है ना हम लोगों ने जो हरी मिर्च का अचार बनाया है उसके संग खाएँगे, आदि ने कहा था। मैं पहले भी बोली हूँ हरी मिर्च का जो अचार है वो आदि को बहुत पसंद आया था, तो उसने कहा पराठा और अचार खाएंगे, और जब मैंने चाय के लिए पूछा तो उसने कहा चाय भी पी लेंगे। और ये देखिए सारा कुछ बनते बनते बज गए हैं 2:45। चलिए आपको बाहर दिखाते हैं, बाहर इतना अंधेरा है ना और एकदम सन्नाटा है, चलिए आपको हल्का सा दिखाते हैं गेट के बाहर। ये देखिए कितना अंधेरा है। एनीवेज, 4 पराठे हमारे बन गए, चाय भी तैयार है, और मिर्च का अचार ले लेते हैं, इसके बाद खा लेते हैं इसको फटाफट, उसके बाद फिर अभी भी काम बाकी है तो वो सब कुछ करेंगे। तो देख रहे हैं ना क्या क्या खुराफात होता है मेरे घर में, रात को 2 बजे ये सब कुछ हुआ है। आप लोगों के घर में ऐसा कुछ होता है क्या, कमेंट करके बताइएगा। और ये है वो बदमाश जो मेरे से ये सब काम करवाया है। अब पेट भर जाएगा। हाँ, कितना बज रहा रात को? 3:00 चलो खाओ। तो फ्रेंड्स, थके हुए तो है ही, नींद आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा काम बाकी है और, तो ये कर लेते हैं और इसके बाद सोएंगे।
ज्यादा नहीं, बस 10-15 मिनट और लगेंगे मेरे काम को खत्म होने में, तो 3:30 बजते बजते सोने चली जाऊंगी। तो अब फिर मिलते हैं कल सुबह, कल देर तक सोऊंगी और उठूंगी नहीं, क्योंकि पेट भी इतना ज्यादा भर गया आधी के चक्कर में, और आधी भी खा लिया मैं तो, 2 पराठा खा ही नहीं पाई, 1.5 पराठा खाई, आधा आधी को ही दे दिया और वो खा लिया, उसको भूख लगा था ना। तो अब सुबह जल्दी तो उठना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि नींद 3:30 बज जाएगी सोने में, और उठेंगे आराम से उठेंगे, फिर लंच वंच बनाएंगे, देखा जाएगा। तो फिर कल सुबह मिलते हैं फ्रेंड्स, गुड नाइट। तो ये तब था कल रात में जो कुछ भी हुआ। उसके बाद हम लोग जो सोए हैं ना, दोपहर को 1 बजे उठे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट तो हुआ ही नहीं है, सुबह 1 बजे उठे हैं, नहाना वहाना झाड़ू पोछा ये सब करते करते 2 बज गए। और इसके बाद खाना जो है ना हम लोगों ने बना ही लिया था, पूरी सब्जी बनाई थी एक्चुअली आज, क्योंकि रेसिपी भी शूट करनी थी तो थोड़ा देर लग रहा था, 2:30 बज गए थे काम होते होते। और इसके बाद मम्मी के घर से भी छोले आ गए बने हुए, मतलब कुक्ड, तो उसको मैंने रख दिया है फ्रिज में, वो कल काम आ जाएगा, क्योंकि आज तो खाना जो बन ही चुका है ना तो उसी को खा लेंगे। तो चलिए किचन में मैंने कैसे बनाया छोले पूड़ियाँ ये सारी क्लिप मैं ली हूँ, लेकिन सुबह से ना आप लोगों को आके गुड मॉर्निंग विश करूँ फुर्सत ही नहीं होती है, इसीलिए ये सब जो देख रहे ना मेकअप वेकअप, ये शाम का समय है और रेडी हुई हूँ क्योंकि शॉर्ट्स की शूटिंग करनी है आज ना। आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगी शॉर्ट्स बनाते वक्त भी, मतलब असली में शॉर्ट्स में दिखता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, मतलब दिखता है ना अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनी हूँ साड़ियाँ पहनी हूँ, लेकिन पहनती कुछ नहीं हूँ, जस्ट ऊपर से डालती हूँ, वो सब आज आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए पहले किचन में चलते हैं और लंच हमने कैसे बनाया क्या कुछ बनाया वो सब देखते हैं। तो ये देखिए जैसा कि मैंने बताया कि एक आलू की सब्जी बनानी है, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ, बिना प्याज लहसुन के आज सब्जी बना रही हूँ, साथ में रेसिपी भी शूट हो रहा है। और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे कुकिंग चैनल पे मिल जाएगी, मेरे कुकिंग चैनल का नाम है सारिका गुप्ता रेसिपीज़, वहाँ पर आपको आज के आज ही ये 4 बजे तक मिल जाएगी शाम को ये रेसिपी। तो चलिए खाना बनाना शुरू करते हैं, सब्जी बनाऊंगी पूड़ियाँ बनाऊंगी, आप लोग देखिए, होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो ज़रूर वीडियो पे एक लाइक अभी से ही कर दीजिए फ्रेंड्स। तो पूरी सब्जी हमारी बन गई है और दोनों ही हम लोग लंच और डिनर दोनों के लिए ही बना चुके हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे काली चाय बना रही हूँ, क्योंकि देर से उठे थे ना तो दोपहर को दुकान सारी बंद हो गई थी तो मुझे दूध नहीं मिला, इसीलिए काली चाय, क्योंकि चाय के बिना तो मेरा गुजारा होता नहीं है। तो एक ब्लैक टी मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया क्योंकि आदि को ब्लैक टी पसंद ही नहीं है। और चलिए अब फटाफट सर्व करते हैं खाना और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए आलू की सब्जी देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो रेसिपी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है सारिका गुप्ता रेसिपीज़ में। और आज ही जैसे आप सुबह 8 बजे ये व्लॉग आएगा ना, इसी तरह 4 बजे तक ये रेसिपी भी आ जाएगी, तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा ना कल रात की चावल थोड़ी बची हुई थी वो भी मैंने गर्म कर लिया था, क्योंकि कुछ भी वेस्ट करना खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो बासी है तो क्या हुआ, हम लोग खा लेते हैं हर कुछ, तो चावल भी खा लिया। और फिर देखिए ये डिनर का दिखा रही हूँ, डिनर में भी सेम है, साथ में चाय बनाई हूँ दूध वाली। फ्रेंड्स ब्लॉग कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर जरूर एक लाइक कर दीजिए, और चलिए आगे बढ़ाते हैं ब्लॉग को। और अब जो रेडी हो गई हूँ तो शॉर्ट्स लेके बैठ जाऊंगी बनाने के लिए, शॉर्ट्स काफ़ी सारे आज बनाऊंगी। आज ना क्योंकि साड़ी निकाली हूँ एक, तो उसी हिसाब से मेकअप भी की हूँ, तो सोच रही हूँ आज खूब सारे भजन बनाऊंगी, क्योंकि ये पिक्चर वाले गाने ना बना बना के, मूवीज वाले जो भी गाने होते हैं, या तो रोमांटिक सॉन्ग्स या तो सैड सॉन्ग्स, बोर हो जा रही हूँ मैं, ये सब ऐसे ही पसंद नहीं है गाना गाना, और हाथ दर्द हो रहा है इसीलिए मैं हाथ को पकड़ी हूँ, कैमरा हिल रहा है तो अच्छा भी नहीं लगता। और कौन सा गाना गाऊँ, इतने सारे गाने गा ली मुझे लगता है कि और कोई गाना ही शायद बचा नहीं होगा,
एनीवेज तो इसीलिए आज सोची हूँ कि बहुत सारे भजन बना के रखूंगी, तो फॉर अ चेंज मूड भी ठीक रहेगा और अच्छा भी लगेगा भजन गाने के लिए। तो जाते हैं ढूंढ के निकालते हैं क्या क्या भजन मिलता है यूट्यूब की तरफ से, मतलब यूट्यूब ही रिकमेंड करता है जो भी गाना हम लोगों को गाना है, डिस्को टाइप भी गाने और ओल्ड सॉन्ग्स भी, फीमेल के मेल के, मतलब लता जी के या फिर आप किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी जिसके भी गाने ना, तो यूट्यूब रिकमेंड करता है उसमें से अगर गाएंगे ना तो अच्छे व्यूज आते हैं, तो भजन भी रिकमेंड यूट्यूब करता ही है। तो चलिए जाके देखते हैं भजन में क्या क्या निकलता है और फिर तैयारी करते हैं भजन गाने की। आप लोगों भी को भी थोड़ा सा दिखाते हैं क्लिप। मैं आदि को बोली हूँ, मेरा फ़ोन तो बिजी रहेगा शॉर्ट्स बनाने में, तो आदि को बोली हूँ जब मैं शॉर्ट्स बनाती रहूँगी आप लोगों को अपने फ़ोन से वो थोड़ा सा शूट करके दिखाएगा बिहाइंड द सीन्स जिसे कहते हैं। बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, मतलब किस तरह से ये जो पहनी हूँ ना यही रहेगा, बस ऊपर से साड़ी को इस तरह से डाल लेते हैं कि लगता है कि साड़ी पहन के बैठी हूँ, और मेकअप वेकअप तो आप देख रही है पहले ही कर ली हूँ। उफ मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है फ्रेंड्स, फोन ही नहीं पकड़ जा रहा है, क्या बोलूँ ना कुछ दर्द होते रहता है। अभी से ही सोचिए ये हाल है और आगे जाके क्या होगा जब ओल्ड एज आएगा, टेंशन होता है कभी कभी। एनीवेज चलिए शॉर्ट्स बना लेते हैं, इसके बाद फिर मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से शॉर्ट्स बनते हैं, बहुत सारा तकिया लगा के हाइट बनाती हूँ, उसी पे बैठना पड़ता है और ट्राइपॉड में मेरा फ़ोन लगा हुआ है और इसके बाद मैं भजन का एक शॉर्ट्स बना रही हूँ। तो देख रहे ना, और इस तरह से बैठे बैठे ना बैक पेन होने लगता है, पता है काफ़ी समय लगता है क्योंकि एक शॉर्ट्स जो एक ही टेक में बन जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई कई टेक्स लेने पड़ते हैं तब परफेक्ट बनता है। तो इस तरह करते करते ना रात हो जाती है तो थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा ये सब करते करते, साथ में जो दर्द होता है वो अलग। तो फ्रेंड्स ये रहा आज दिन भर का व्लॉग, दो दिन का व्लॉग एक्चुअली, कल रात से शुरू हुआ और आज शाम को मैं खत्म कर रही हूँ इस व्लॉग को। तो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा है तो वीडियो पे जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और न्यू व्यूअर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और मेरी व्लॉग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए मेरे आने वाले व्लॉग्स को देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए फिर मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। बहुत थक गई हूँ सच्ची, अब थोड़ा रेस्ट लूंगी, टाटा।